जय माता दी। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। जानेंगे सिंह राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है। विदेश में नौकरी कर रहे जातक अपनी बुद्धि कौशल के दम पर पढ़ाई करने में सफल रहेंगे। व्यापारी बंधुओं के लिए लंबी दूरी की यात्राएं धंधाई रहेंगी। धन कमाने के लिए यह माह काफी बेहतर नजर आ रहा है। आप आर्थिक उन्नति करने के लिए अधिक से अधिक भागा दौड़ी करेंगे। घरेलू जीवन के लिए यह समय मस्ती भरा रहने की उम्मीद है। बच्चों की तरक्की से आप काफी संतुष्ट रहेंगे। वैवाहिक जीवन में तनाव रहने के संकेत हैं। आपको नकारात्मक परिस्थितियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन के लिए भी समय ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। नए प्रेम संबंध स्थापित ना करें। अपने प्रेमी को बराबर का दर्जा दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। अपने रिश्तों में स्पष्टता रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा ना लें, वरना एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ सकते हैं। सेहत के लिहाज से यह महीना अनुकूल कहा जा सकता है। अगर छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य को खराब ना कर सकेगा। एक नारियल और 7 बादाम किसी भी धर्म स्थान में चढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने आपकी पारिवारिक खुशियां बरकरार रहने की संभावना है। आपकी प्रभावशाली वाणी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा। माता के स्वास्थ्य पर यह माह एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आप अपने पराक्रम व परिश्रम के बल पर नौकरी और बिजनेस में मान सम्मान पाने में सफल रहेंगे। काम धंधे को लेकर आपकी यात्राएं होती रहेंगी। पारिवारिक जीवन के लिए यह समय काफी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। अपने बच्चों की उन्नति और तरक्की से आपकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। आर्थिक मामलों की बात करें तो आपकी आमदनी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने के आसार हैं। लव लाइफ के मामले में आपका झुकाव अपने प्रेमी की तरफ कुछ अधिक रहेगा। उनसे मिले या बात किए बगैर आप काफी बेचैनी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य का मामला अच्छा रहेगा। योग व ध्यान का सहारा लेकर आप अपनी कार्य क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। सूर्य को तांबे के पात्र से जल दें। इस महीने नौकरी में आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा और प्रमोशन की प्राप्ति होगी। आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है या कार्य क्षेत्र से जुड़ी आप कोई यात्रा भी कर सकते हैं। बिजनेस में आपको कोई बड़ा लाभ देखने को मिल सकता है। आर्थिक तौर पर यह समय आपके लिए ठीक ठाक ही रहेगा। आपको अनेक स्रोतों से धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। विद्यार्थियों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। इस माह परिवार के साथ अचानक घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है। परिवार के साथ आप कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठा सकते हैं। सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपभोग करने और उन्हें जुटाने के लिए इस अवधि में आप काफी प्रयासरत रहेंगे। दांपत्य जीवन के लिए यह समय काफी अनुकूल रहने की संभावना है। आपके वैवाहिक संबंध मजबूत रहेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय थोड़ा समस्या कारक हो सकता है। प्रेमी के साथ मुलाकातों के दौर में आप कमी महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यह माह अनुकूल कहा नहीं जा सकता। आप अपने अंदर एक विरक्ति का भाव महसूस करेंगे। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, लेकिन महीने का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य कुछ कमजोर हो सकता है। व्यर्थ की चिंताएं आपके मानसिक तनाव को बढ़ाने का कार्य करेंगे और आप अपनी ऊर्जा शक्ति में कमी महसूस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भरपूर मात्रा में नींद लें और जल का सेवन करें तथा प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य देव के दर्शन करें और सूर्य नमस्कार करें। छठे भाव में बृहस्पति केतु और शनि की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। ऐसे में आपको विशेष रूप से अपने पेट और किडनी से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको इनसे संबंधित शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से बचें। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि अति हर चीज की अनुकूल नहीं होती। इस बात पर ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को सबसे अधिक महत्व दें। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य का गोचर जब आपके नवम भाव में होगा, तब आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी और जो भी शारीरिक समस्याएं चली आ रही हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी और आप एक चुस्त दुरुस्त जीवन का आनंद उठाएंगे। यदि आपकी करियर की बात की जाए तो दशम भाव में दशम भाव का स्वामी विराजमान है और पूरे महीने उसी भाव में स्थित रहेगा। इससे ज्यादा बढ़िया बात और क्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में
में आपका खूब मन लगेगा और आप जी जान से अपना काम करेंगे। केवल कठिन परीक्षा ही नहीं बल्कि दिमागी तौर पर भी आप अपने काम को महत्व देंगे और इसकी वजह से आपको हर ओर से सराहना मिलेगी। जिन लोगों से कभी भी आपने उम्मीद नहीं की थी वे लोग भी इस कारण आपकी तारीफ करेंगे। इस प्रकार कार्य क्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में रहेगी, लेकिन एक बात ध्यान देने की होगी कि आपका बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर जमाए हुए है। ऐसे में अपने काम से जरा सा भी फोकस ना हटाएं और अच्छा काम करते हुए बिल्कुल भी अति आत्मविश्वास का शिकार ना हों, अन्यथा स्थिति आपके हाथ से निकल सकती है। आपके विरोधी भी इस दौरान आपके विपक्ष में खड़े हो सकते हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे चाहे कुछ कर लें, आपके सामने वे जीत नहीं पाएंगे। यदि आप एक व्यापारी हैं, तो सप्तम भाव में बुध की उपस्थिति आपके बिजनेस को और बढ़ावा देगी और आप नई नई युक्तियों के द्वारा अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सूर्य का गोचर मेष राशि में होने के बाद आपको अच्छी अच्छी कंपनियों से भी ऑफर मिल सकते हैं और आपके काम में एकदम से गति आएगी, जिससे आपका मुनाफा भी बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी गति पकड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में काम के सिलसिले में की गई यात्रा काफी फायदेमंद साबित होगी और दूरगामी लाभ का मार्ग खोलेंगी। प्रेम संबंधों की बात की जाए, शुक्रवार की दशा भाव में स्थिति आपके मन में प्रेम के अंकुर को जीवित रखेगी और आप अपने प्रियतम को खुश रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पंचम भाव में केतु की उपस्थिति प्रेम जीवन में तनाव और अलगाव बढ़ाने का कार्य कर सकती है और ऐसे में आपका रिश्ता किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मनचाही स्थितियां आपके प्रेम जीवन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगी और आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से प्रेम जीवन में तनाव बढ़ सकता है। साथ ही मंगल का प्रभाव आपके प्रेम जीवन में उग्रता को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से आप बात बात पर धैर्य खो बैठेंगे और अपने प्रियतम पर खिंच उतार सकते हैं। यह स्थिति किसी के भी प्रेम जीवन के लिए अनुकूल नहीं होती, इसलिए आपका प्रियतम भी आपसे खुश नहीं रहेगा। वास्तव में आपकी लव लाइफ के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होगा, जिसका सामना आपको पूरी सूझबूझ और समझदारी के साथ करना होगा, तभी आप अपनी लव लाइफ को बचा पाएंगे। आपको इस महीने अपने प्रियतम के साथ ज्यादा समय बिताने से बचना चाहिए और अति आवश्यक होने पर ही बातचीत करनी चाहिए, जिससे व्यर्थ की लड़ाई से बचा जा सके। यदि शादीशुदा जातकों के दाम्पत्य जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि मई के महीने में सप्तम भाव में बुध की स्थिति होने से दाम्पत्य जीवन अच्छा चलेगा और जीवन साथी अपने मन की बातों को खुलकर आपके सामने रखेगा, जिससे आपके बीच नजदीकी बढ़ेगी और एक दूसरे को पहले से अधिक समझ पाने में आप सफल होंगे। वास्तव में यही एक दाम्पत्य जीवन का आधार है। सप्तम भाव के स्वामी के छठे भाव में उपस्थिति और मंगल और बृहस्पति का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में रह रहकर तनाव बढ़ा सकता है और विशेष रूप से आपको जीवन साथी से संबंधित कुछ खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें उनके स्वास्थ्य के खर्चे भी शामिल होंगे। यदि आपका जीवन साथी कार्यरत है तो इस दौरान उनके किसी यात्रा पर जाने अथवा विदेश जाने की संभावना भी बनती रहेगी। परिवार में आनंद रहेगा और जीवन साथी अनेक परेशानियों के बावजूद भी आप पर पूरा विश्वास रखेगा, जिससे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलेगा। मई के महीने में आपको हरिवानस पुराण का पाठ करना चाहिए अथवा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस महीने में आने वाली अमावस्या के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार दान करना चाहिए। आपको शनिवार के दिन उड़द की दाल के बड़े बनाकर बांटने चाहिए और तांबे की अंगूठी में मूंगा बनवाकर अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। मई का महीना आपके लिए उम्मीदों से भरा रहने वाला है, क्योंकि इसी महीने आपकी राशि का स्वामी अपनी उच्च अवस्था में आएगा और इसी वजह से आपके महीने की शुरुआत काफी मामलों में बेहतरीन रहेगी। आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा तथा समाज के उच्च स्तरीय लोगों से आपकी मुलाकात होगी तथा उनसे संपर्कों के द्वारा भविष्य में आपको लाभ का मार्ग मिलेगा। आपकी यात्राओं की अच्छी संभावना है और ये यात्राएं आपके लिए काफी अच्छी साबित होंगी तथा धार्मिक स्थलों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। यदि आप अपने काम को तर्ज पर देखें तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है, इसलिए इस ओर विशेष ध्यान दें और इस महीने में आपको कर्ज लेने और देने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक स्थिति प्रतिकूल हो सकती है। मामा पक्ष के लोगों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। आपके परिवार के लोग आपके कार्य में आपका हाथ बटाएंगे और इस समय आपके साथ खड़े मिलेंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखने पर
जिससे पता चलता है मई का महीना आपके लिए काफी उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सर्वप्रथम बुध की सप्तम भाव में स्थिति आपके व्यापार को काफी उन्नत बनाएगी और आपको अच्छा धन लाभ करवाएगी। इस महीने में आपको अनेक ऐसी योजनाएं प्राप्त होंगी जो आपके लिए दीर्घकालीन लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगी और केवल इतना ही नहीं आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती भी देगी। जैसे ही सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में होगा स्थिति और भी बेहतर होती जाएगी और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी तथा धन का लाभ भी होगा। महीने के अंत में बुधवार का गोचर आपके सप्तम भाव में होगा जो आपकी आमदनी में वृद्धि करने वाला साबित होगा। उत्तर पूर्व की दिशा में क्रिस्टल रखें, इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और धन लाभ होगा। इस उपाय से पैसों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों।